माम फिल अर्द और ज़मीन पर चलने फिरने वाली कोई भी मखलूक ऐसी नहीं है हैजुहा मगर ये कि उसका रिज्क अल्लाह के जिमे करम के ऊपर है हमें तो चंद एक मखलूक़ात नजर आ रही हैं ना जिनका रिज्क आप देख रहे हैं अभी अगर आपको वेल मछली का रिज्क बताया जाए जो पैसफिक में और एटलान्टिक में आज भी हजारों की तादाद के अंदर है एक छोटी वेल मछली भी एक वक्त का 500 किलो गोश्त खा जाती है 500 किलो और जो बड़ी वेल मछली है वो तो आप छोड़ दें 30 हाथियों के बराबर भी वेल मछली है इतनी बड़ी बड़ी वेल मछली है तीस हाथी थर्टी उनके बराबर एक वेल मछली उसका रिस्क भी अल्लाह ताला पूरा कर रहा है आपको तो बस चिड़िया नजर आ जाती है ज्यादा ज्यादा तो किसी के दिमाग में आ सकता है कि यार चिड़ियों का रिस्क अल्लाह पूरा कर रहा है तो ज्यादा ज्यादा इतना ही दिमाग में रिस्क आता है आप जरा उन जानवरों के बारे में सोचें इतने बड़े बड़े जानवर समुंदर के अंदर खुश्की में तो उतने बड़े जानवर ही नहीं है जितने पानियों के अंदर मौजूद है और उन तमाम के रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह तला ने ली हुई है लेकिन ये रिस्क की जिम्मेदारी है कोशिश के साथ जुड़ी हुई है ये ना समझे कि वेल मछली के मुंह में आके अल्लाह ताला को चीज डाल देता है नहीं कोशिश करनी पड़ती है इंसान को भी कोशिश करनी पड़ती है अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा हुआ है कोशिश करोगे रिस्क मिलेगा रिस्क अल्लाह ने क्या दो 200 साल पहले तक तो किसी को पता ही नहीं था कि जमीन में एनर्जी का इतना बड़ा खजाना मौजूद है तेल की शक्ल में अठारह सो तिरपन में वो पहला कुआं पेंसिलोवेनिया में अमेरिकन स्टेट के अंदर दरियाफ्त हुआ था कर्नल एडविन ने किया था इतनी माशाल्लाह मुठ्ठी दाढ़ी थी क्रिश्चियन थे वैसे वो और अरब मुल्कों में वो तो बीसवीं सदी के अंदर तेल निकला है 1960 के करीब जाके तेल निकला अरब मुल्कों में अब मेरा सवाल ये है कि 1300 साल तक सारे बुजुर्ग आने दीन आजमरे के लिए जाते रहे जो नीचे निगाह मारते थे तो सातों जमीने क्रास और ऊपर अर्श पे निगाह पहुंचती थी किसी बुजुर्ग को तेल नहीं नजर आया अरब की सरजमीन में ऐसे बुजुर्गों से जान छुड़ा सकते थे कि उठे तो गेह नहीं हो गए थे मक्के मदीने तो गैसन ना उ तो लंघे ने ना किसी तेल नजर आया दुनिया को अल्लाह ने बदरे एफर्ट है और यह भी अब मजीद कोई पचास साठ साल का तेल रह गया फिर आने वाली दुनिया जिक्र करेगी कि इंसानियत ने ढाई तीन सौ साल ऐसे देखे हैं कि अल्लाह ने उनको एक ऐसा खजाना दिया था कि जिसको यूज करके ट्रेनें चलती थी हवाई जहाज उड़ते थे और वो ज़मीन से तेल निकला था बात के लोगों के लिए तो अभी प्रॉब्लम है ज़ाहिर है इसीलिए तो आप बैटरियों की तरफ सोलर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं लेकिन बहरह सोलर हो या बैटरियाँ हो वो तेल का तो मुकाबला नहीं कर सकती आपको एक लीटर पेट्रोल जो एनर्जी देता है वो एनर्जी बनाने के लिए तो आपको कितना बड़ा एरिया चाहिए सोलर पैनल्स का तब वो एनर्जी मिलेगी तो उसके लिए तो फिर आप जहाज जो सोलर वाले इन्होंने बनाए भी हैं ना वो इतने बड़े बड़े जहाज हैं और मुसाफिर उसमें थोड़े से ही बैठते हैं ये जो बोइंग सेवन फोर सेवन या एयर बस थ्री एटी जो पांच सौ मुसाफिरों को लेके जा रही है इसकी एनर्जी अगर आपको सोलर पैनल से करनी पड़ जाए तो इस जैसे पचास जहाज बनाएं तो तब जाके उसमें उतने बंदे बैठेंगे ये तो एक बहुत बड़ी तकलीफ दे चीज है तो अल्लाह तौर ने बहर अब सोलर की शक्ल में एक और ख़जाना दिया है इसके ऊपर मेहनत हो रही है बैटरीज के ऊपर मेहनत हो रही है तो अल्लाह ने पोटेंशली रिस्क इंसानियत का और रिस्क में सिर्फ खाना पीना नहीं है तमाम जरूरत की चीजें इस वक्त तो हमारा रिस्क वो मुझे अशफाक अहमद साहब की बात याद आई वो कह रहे थे 1960 में वो कह रहे थे कि मेरी तनख्वाह का 10 परसेंट क्या 5 परसेंट भी उन चीजों पे नहीं लगता था जिन चीजों पे अब आके मेरी तनखा का अस्सी फीसद लग रहा है क्योंकि उस वक्त इंसान की बुनियादी जरूरतें नहीं होती थी बल्कि आप लोगों ने अपनी जिंदगी में देख लिया है कि पिछले दस बारह साल के अंदर आपकी जिंदगी में दो चीजें एक स्मार्टफोन और दूसरा इंटरनेट ये ऐसा दाखिल हुआ है कि आप गर्मी में पंखा बंद करके बैठ जाते हैं इंटरनेट ना बंद हो जाए कहीं अगर यूपीएस बंद हो गया क्योंकि वो तो आपकी सांस चला रहा है ना पहले ये सांस बंद होती थी पंखा बंद होने से अब पंखा बंद होने से नहीं होती आप नेट का कनेक्शन दे दो दो घंटे बैठ के लोग नेट के ऊपर और व्हाट्सएप पे एक दूसरे के साथ मैसेजिंग करते रहेंगे पसीने छूट रहे हैं उनको कोई परवाह नहीं पंखा बंद है कोई परवाह नेट बंद कर दे पंखा चलता रहे जी जिंदगी से मौत बेहतर है ये हो गया वह तो ये तो आपकी जिंदगी में अभी ये एंटर हुई है ना चीज इलेक्ट्रिसिटी एक बुनियादी जरूरत बन चुकी हुई है ये सारा रिस्क है अल्लाह की हैं अल्लाह की और अल्लाह ये सारी नेमतें वक्त के साथ साथ एक्सप्लोर करवा रहा है पोटेंशली जमीन के अंदर मौजूद थी तो अल्लाह माता है तमाम चलने फिरने वालों के रिस्क की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है वह आलमू मुस्तकर रहा व मुस्तऊद आहा और अल्लाह ताला को हर जानदार के ठहरने की जगह भी मालूम है और अल्टीमेटली जहां उसने स्पुर्द होना है वह जगह भी मालूम है अल्लाह अकबर ठहरने की जगह तो आपको समझ आ रही होगी कि अल्लाह ताला को यह पता है कि किस इंसान ने कहाँ पे रुकना है किस शेर ने किस गार में रहना है किस मगर मछ ने किस मीठे पानी में गुजारा करना है कौन सी बेल मछली किस समुंदर में है और कहाँ कहां उसने अपना वक्त गुजारना है सिर्फ यह अल्लाह के में नहीं वह मुस्तऊद आहा उसने मर के जहां पे जाना है वो जगह भी अल्लाह को मालूम है किस की कब्र जो है वो मट्टी का ढेर बननी है किसकी कबर समुंदर में बननी है किसकी कबर शेर के पेट में बननी है किसने एयर क्रैश में हवाओं में बिखरना है हर बंदे का जो अल्टीमेट अंजाम है वो भी अल्लाह ताला को हर मखलूक का पता है सूरत नाम में तो आया है कि कोई पत्ता नहीं गिरता ना खुशकियों में ना समुंदरों के अंदर और ना कोई दाना फूटता है किसी जमीन की गहराई में मगर वो अल्लाह के इल्म से और अल्लाह ने पहले ही लोहे महफूज में लिख लिया हुआ है कि ये ऐसे होगा ये उससे भी अगला वर्जन है कि ना सिर्फ वो काम होने के बाद अल्लाह को पता चलता है होने से पहले भी अल्लाह ने अपने इल्म में रखा हुआ है और इल्म में नहीं लिख के रखा हुआ है कि ये ऐसा होगा और यहां पर भी वह जिक्र आ गया कि रिस्क भी अल्लाह के जिमे है और वह जानता है हर बंदे की हर मखलूक के ठहरने की जगह और अल्टीमेटली स्पुर्द होने की जगह कुल्फी किताब इमीन और हर चीज एक रोशन किताब में लिखी हुई है वो अल्लाह तला की बहुत बड़ी हार्ड डिस्क है जिसमें सारी मखलूक की तकदीरें अल्लाह तला ने लिख दी हैं और वो कोई अल्लाह तला ने यानी खुद से कोई मेहनत नहीं जामे जाम तिरमजी हदीस है अल्लाह ने कलम को पैदा किया और फिर उससे कहा कि लिख जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है बस कलम